अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद आप सभी को। देखिए कौन आया, मेरा शीरकुरमा तो रेडी है नहीं, लेकिन आई थिंक 10 मिनट में बन जाता है, तो जब तक वो लोग बैठेंगे मेरा शीरकुरमा भी रेडी हो जाएगा। सो लेट्स सी कौन है। वालेकुम अस्सलाम, आइए आइए, ईद मुबारक, आओ आओ। तो ये सारे बड़ी कड़क धूप में रेडी होके सब आए हैं। तो जब तक ये लोग बैठते हैं मैं आपको मेरा बाकी का शीरकुरमा का रेसिपी बताती हूँ, क्योंकि 10 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। सो आप लोग वेट करोगे ना मेरे शीरकुरमा के लिए। तो मैंने एक्चुअली किया है गुड़ जो मैंने गर्म कर लिया है, एंड मैंने शुगर डाला है, ये इलायची है जिसका मैं पाउडर बनाऊंगी, एंड बादाम एंड पिस्ता जो मैं ऑलरेडी चॉप करके मैंने रखा था फ्रिज में, ऑल्सो सम क्रश्ड कैश नट्स, आई थिंक जितने आपको चाहिए आप उतना ले सकते हैं। इसमें ना कुछ लोग किशमिश भी डालते हैं, वैसे मुझे बहुत पसंद है, बट किशमिश को अगर आप दूध में डाल दें जब शीरकुरमा बना रहे होते हैं तो दूध के फटने के चांसेस बहुत होते हैं, इसीलिए अगर आप किशमिश डालें तो आपका शीरकुरमा जब कम्प्लीटली रेडी हो जाए उसके बाद आप घी में थोड़ा सा उसको रोस्ट कर सकते हैं, एंड यू सी कि आपके किशमिश जो रेजन्स है वो फूल जाएंगे, उसके बाद यू कैन ये भी जब आप सर्व कर रहे अपने गैस को तब ऊपर से डाल सकते हैं। अदरवाइज मेक श्योर कि आप कभी भी शीरकुरमे में बनते वक्त किशमिश ना डालें। एनी सो नाउ वी स्टार्ट द प्रोसेस। ये दूध जैसे मैंने बताया ऑलरेडी बॉइल्ड है, इसमें शक्कर भी डली हुई है, और ये है सेवैयां। सेवैयां को हम क्रश करके डालेंगे, सो एज मच एज यू लाइक, बट मुझे बहुत कम क्वांटिटी में अपने शीरकुरमा में सेवैयां पसंद है, तो जस्ट क्रश लाइक दिस। तो जब तक सेवैयां कुक हो रहे हैं दूध में, वी टेक अ हैवी बॉटम बर्तन और इसको गर्म करके इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। तो घी बहुत ज्यादा नहीं, वरना शीरकुरमे में घी ऐसे ऊपर तैरता नजर आएगा, एंड आई एम श्योर विच यू डोंट वांट। अब मेरे ड्राई फ्रूट्स को मैं घी में रोस्ट करूंगी, तो इसमें है पिस्ता चॉप्ड बादाम, यू कैन टेक चॉप्ड काजू एज वेल, सो है मेरे पास काजू। आई नो मुझे काजू को थोड़ा और ज्यादा बारीक चॉप करना चाहिए था, लेकिन मैंने बस ऐसे ही इसको क्रश कर लिया अपने हाथों से। इसको हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये थोड़ा सा क्रंची ना हो जाए। दिस लुक्स नाइस, मेक श्योर कि ये बर्न ना हो जाए। ओ यस, आई फॉरगॉट, आप चिरौंजी भी डाल सकते हैं, जो कि डालना है ज़रूरी है, ये चिरौंजी है, कई लोग इसको चारूली भी बोलते हैं। ऑलराइट, दिस इज फ्रेशली ग्राउंड इलायची पाउडर, ये आप चाय के लिए भी किसी कांच की बर्नी में भर के रख सकते हैं, और बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मतलब एक चुटकी इनफ है, बिकॉज ना मिठाई जैसा टेस्ट आने लगेगा या रबड़ी जैसा, तो वी डोंट वांट दैट। शीरकुरमा की तरह टेस्ट होना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स क्रंची हो चुके हैं, सेवैयां जो है वो कुक हो चुका है इन द मिल्क, दिस इज ऑलमोस्ट रेडी। इसमें इलायची पाउडर डला है, शक्कर ऑलरेडी डली थी, एंड नाउ आई एम गोना पुट द ड्राई फ्रूट्स इनसाइड दिस, बेसिकली वो नट्स हैं इनसाइड माय शीरकुरमा, और फिर उसको हम छोटी छोटी कटोरियों में सर्व करेंगे। गेस्ट ऑलरेडी बैठे हैं तो आई एम रेडी। नट्स डाल रहे हैं इसमें, आई वॉन्ट यू टू सी दिस। ओ वाओ, ये तो एकदम बढ़िया वाला शीरकुरमा दिख रहा है। सॉरी मैं अपनी खुद की तारीफ कर रही हूँ, बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड।
अच्छा लग रहा है, लड़के वाले देखने आए। लीजिए मेहमान हूँ। कैसा बना? That's it for today. Eid Mubarak, and I'll try and make more vlogs और कोशिश करूंगी थोड़ा active रहने की। Till then, stay safe and have a lovely day. Bye. Khuda hafiz.